निकालो खजाना निकालो। खुलेगा कहाँ से? मुझे इतना पता था ZX10 आ रहा है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ ZX10 आ रहा है। देख लो गाइस, मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो और एक बिग अपडेट देना चाहता हूँ, अभिनव कौशिकी की तरफ से कॉल आई है, उन्होंने हमें बुलाया है, बोला है एग्जॉस्ट जो है वो वहाँ पे पहुँचा है, फुल सिस्टम एरो का जो वहाँ पे पहुँचने वाला था, जिसकी बुकिंग हमने ऑलरेडी करी थी। तो अभी शोएब भाई ने मुझे कॉल करके बुलाया, बोला जल्दी आ जाओ। तो अभी हम जा रहे हैं कौशिकी, मिलते हैं आपसे बाइक पे। आज आपका जो इंतज़ार था एग्जॉस्ट के लिए वो ख़त्म हो चुका है, फाइनली आज लगने वाला है रे में एरो का फुल सिस्टम। शोएब भाई को जो है एग्जॉस्ट का बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम आज ईद के दिन जो है निकले हैं एग्जॉस्ट डालने रे में। आप लोग देख सकते हो कि गर्मी कितनी ज़्यादा है जम्मू में, लेकिन तब भी हम आप लोगों के लिए आज जा रहे हैं एग्जॉस्ट डालने। तो अगर जम्मू की बात करें तो यहाँ पे ना ये वाला एरिया जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ग्रेटर कैलाश में ना आप लोगों को ना सुकून मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ये तो रोड है, यहाँ पे आप लोगों को शोर दिखेगा, लेकिन अगर आप अंदर की तरफ जाओगे कॉलोनी की तरफ तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सुकून। मन कर रहा है कहीं पे साइड में बाइक रोक के पहले नहाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है अभी, एंड आज ना ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, धूप तो उतनी नहीं है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा। तो फाइनली गाइज हम कौशिकी जम्मू में पहुंच गए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो ये रहा कौशिकी का शोरूम बिल्कुल हमारे सामने, एंड अभी हम अंदर जाके एग्जॉस्ट चेक करेंगे, हम अपनी बाइक यहां पे लगाते हैं। तो गाइज अभी बाइक को जो है ऊपर लिया है, अभी इसमें लगने वाला है एरो का फुल सिस्टम, ये वाला बाहर निकलेगा इसमें। तो गाइज फाइनली एग्जॉस्ट जो है पहुँच चुका है, ये आप देख सकते हो ये रहा एरो का एग्जॉस्ट। तो ये हमारे मानिक भाई कौन सा वाला एग्जॉस्ट है हमारा? एरो का प्रो रेस टाइटेनियम प्रो, इसका नाम है मफलर का, और साथ में जो स्लिपॉन क्या कहते हैं हेडर्स हैं वो भी इसके एरो के फुल सिस्टम है। वो कहाँ पे हेडर्स का है? तो ये देखो ये बॉक्स ना पूरा सील पैक होता है, ठीक है, इसमें इतना बड़ा बॉक्स आता है सारी चीजें, इसमें मफलर भी, मफलर प्लस क्या है इसमें? मफलर प्लस बैंड बाइक। ये हमारे हेडर्स आ गए एकदम से न्यू, ठीक है, तो चलो इनको भी अनबॉक्स करते हैं। देखो दो चीजें ये आ गई, और खुशी हो रही है भाई मेरे को ना इस चीज की, भाई आपके चेहरे पे कुछ ज्यादा ही खुशी दिख रही है। होगी खुशी यार, क्योंकि यार इतना कितना वेट किया, आपको पता है हमने ना भैया 7-8 दिन कंटिन्यूसली वेट कर रहे, कभी यहाँ जा रहे, कभी गोट राइडर, कभी यहाँ, फिर फाइनली यहाँ डन हो गया, फाइनली कावासाकी मैं ले ही लिया। चलो अभी उठा के दिखाएगा, ये ना बिल्कुल लाइट वेट होता है भाई, मतलब ऐसे लग रहा है ना मैंने एक हाथ पे उठाया हुआ है। हैवी एग्जॉस्ट इसमें नहीं है भैया? है। आपको क्या लगता है, आपने वेट के हिसाब से क्या लगता है? इसमें है ही नहीं, जैसे लग रहा है एग्जॉस्ट ही नहीं है, इतना लाइट वेट है। चलो आप खोल के दिखाते हैं ना। चलो दिखाते हैं खोल के। अब तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं हम यहाँ से। ये क्या है इसमें? ये बेंड पाइप आ गई, और साथ में ये मेरे को चाहिए, जो मेन चाहिए ना भैया वो ये चीज है। निकालो खजाना निकालो। खुलेगा कहाँ से भाई? क्या कर रहा है? नट कहाँ है इसके? अलग से होते हैं पैकेट में। हो ही नहीं रहा भाई, मेरे को खुशी बड़ी हो रही है यार, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मछली फंस गई है कांटे में यार। कैंची ला रहा है यार। खुशी से आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई, आराम से निकाल लो। है? आराम से निकाल लो। निकल ही नहीं रहा। हाँ, तो ये चेक करो, ये भाई अपना एग्जॉस्ट। तो ये देखो इस पे सारे कोड वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था, ये ओरिजिनल की पहचान है, ये देखो यहाँ पे इनको सब ब्रांडिंग दिखाना, ठीक है। तो ये देखो एरो है, और मैं कैसा लग रहा हूँ इसके साथ वो भी बताना भाई, थोड़ा ना ऐसे पसीना आ रहा भाई मेरे फेस पे, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया हूँ। ये मेरी सबसे एक्सपेंसिव चीज है, और इसके साथ भैया ये बताओ इसके ऊपर जो वो लगता है क्या कहते हैं डीप, वो जो नट है वो कहाँ है? मिल जाएगा अलग से। तो चलो भैया अब फिटिंग का काम शुरू करते हैं, ठीक है। अब फुल तबाही होगी, फुल वाली होती है ना, फुल तबाही वो होने वाली है, ठीक है। जो है एग्जॉस्ट ये मेरे हाथ में रहा, जैसा कि आप देख रहे हो एरो बिल्कुल अभी लगने वाला है रे में, और रे को भी ऊपर चढ़ाया है, ये देख लो
रे ऊपर जा रही है और इसमें लगना है ये वाला एग्जॉस्ट जो कि एरो का है फुल सिस्टम। आज बंदा बड़ा खुश दिख रहा है भाई, बड़े खुश दिख रहे हो आज। आज हमारा भाई बहुत खुश है और आज हमारी बाइक में ना ये निकलने वाला है, इतना बड़ा जो है एग्जॉस्ट है जो कि हम इतने टाइम से यूज कर रहे थे। तो गाइज़ ये वाले हेडर्स जो है ये निकलने वाले हैं इसमें। तो गाइज़ ये वाले हेडर्स जो है ये निकलने वाले हैं इसमें, जैसा कि आप देख रहे हो भैया जो है खो रहे हैं अभी। उसके बाद ये वाला साइलेंसर भी है जो बाहर निकलेगा। मिल जाता है यार। तो नाम क्या होगा? निखिल भाई। हाँ साथ में। तो ये देखो ये निकला है अपना मेन, इतना बड़ा भाई है। तो गाइस जो स्टॉक हेडर्स है वो निकल गए हैं और जो कन्वर्टर है वो भी निकल चुका है इसमें, जैसा कि देख रहे हो अब। ये देख लो ये वाला जो कन्वर्टर है और हेडर्स है वो सब निकल चुका है। स्टॉक जो है ये निकल चुका है इसमें। तो अभी आप देख सकते हो इसमें जो है स्टॉक हेडर्स वो निकल चुके हैं, अभी इसमें कुछ भी नहीं लगा है। एंड जो साइलेंसर था, कन्वर्टर था, सब कुछ इसमें निकल चुका है। अब इसमें लगेगा एरो का फुल सिस्टम जो कि बहुत लाउड है भाई। अभी आपको स्टार्ट करके भी दिखाएंगे जो बहुत रोर है, लाइक अभी देखेंगे जब वो लगाएंगे इसमें, उसके बाद हम देखेंगे एक बार उसकी साउंड जो है कैसी आ रही है। ये वाले हेडर्स लगने वाले हैं इसमें, ये देख लो गाइस। ये वाले हेडर्स जो है इसमें लगने वाले हैं, ये देख लो। तो गाइस फाइनली भैया ने जो है हेडर्स लगाए हैं एंड भैया के हाथ में जो टूल है ये ना मेन टूल है हेडर्स लगाने के लिए। ओरिजिनल हेडर्स भी लगवा देंगे। इसका क्या फंक्शन होता है कि ये ना बाइक का क्या बताता है, ये फ्यूल रेशियो दिखाता है, फ्यूल की क्या रेशियो है, मतलब कितना परसेंट यूज हो रहा है फ्यूल, और बाइक हीटअप है या नहीं है। ऑटो सेंसर बोलते हैं ना इसको। हाँ, तो ऑटो सेंसर बोलते हैं, लैंडर सेंसर बोलते हैं। ये देखो ये इसकी फिटिंग है यहाँ पे, ये देखो इस जगह फिट होता है। वायर बड़ी पतली है ऊपर वाली इसकी। तो यहाँ पे ना और एक बीस्ट खड़ा है ZX10RR। मुझे तो इतना पता था, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इतना पता था ZX10R है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ ZX10RR। ये देख लो गाइस, और ये भी बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही है, देखो बल्कि बाइक दिख रही है। तो गाइस फाइनली जो है भैया जो इसमें है एरो का कैन फिट कर रहे हैं अभी। ये देख लो एरो का कैन इसमें फिट हो चुका है। अभी आपने जो एग्जॉस्ट देखा है ये था एक्रोपोविक का, जो ना ZX10RR में लगाया है इन्होंने। भैया जो है अभी ये डिसाइड कर रहे हैं ये एक्रोपोविक का जो एग्जॉस्ट है इसमें लगाएंगे मफलर कि नहीं। अभी ना इसमें कैनन एयर फिल्टर जो है वो लगने वाला है। ये देखो ये ना लाइफ टाइम के लिए होता है, लाइफ टाइम इंजन एयर फिल्टर। तो अभी ना मैं वापस जा रहा हूँ घर, क्योंकि वहाँ से मुझे गाड़ी लानी है, क्योंकि जो रे में पुराना एग्जॉस्ट निकला है सिलिकॉन था, पुराना जो स्टॉक का था, एक तो वो कन्वर्टर है और हेडर जो है जो स्टॉक में आते हैं वो घर लेने हैं, बाइक पे वो नहीं ले जा सकते, इसलिए हमें वो गाड़ी में ले जाने पड़ेंगे। अभी हम जा रहे हैं अब गाड़ी में सामान लाने वापस। ये आप देख सकते हो यहाँ से ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है गाइस, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इंसान का दिमाग ख़राब होता है। मुझे ना पसीना आ रहा है। अब आप सोच रहे हो एसी क्यों नहीं ऑन किया भाई, इस बात का मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, एसी मैंने किस लिए ऑन नहीं किया इस बात का जवाब ही नहीं है मेरे पास। मैं गाड़ी लेके आया हूँ, ये रही गाड़ी सामने। एंड भाई बाइक फुल, बाइक रेडी हो गई, बाइक तो रेडी हो गई हमारी, अब निकलेंगे यहाँ से फुल। दिखाओ भाई सुबह के आए हुए, दिखाओ दिखाओ क्या रेडी हो गई भाई। आज ना आवाज सुनाते आसिफ भाई को भी, आसिफ भाई भी सोच रहे होंगे बीबी किलर हाथ में लेके घूम रहा हूँ यार, डर गया हूँ पता है। अच्छा? आवाज इतनी है यार कानों में, पर्दे फट गए। पहले दिखाओ तो सही, देखना भाई अब आएगा
क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको डीबी किलर मेरे को हाथ में लेके चलना पड़ा, मैं डर रहा हूँ यार, इसमें बड़ी आवाज आ रही, कानों में पर्दे ही फट गए यार। मुझे लगता है आप चालान बड़े होंगे। हाँ वही टेंशन हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, सब चीजें अब ये लगवा ही लिया, तब टेंशन क्या लेनी चालान की भी यार। होगी तो होने दो, होने दो। चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा देखे आएगा। बता रही है कट मार के निकल जाओ, बोलती है बस है। अब आपको वो कटिंग वाला ड्राइवर बनना है। क्यों मेरे सामने नहीं तुमने मारे? मारता तो हूँ, कट थोड़े वो। लेकिन ऑफ कैमरा है? ऑफ कैमरा है, कैमरे के सामने नहीं, कॉज लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे हमारी वजह से, गलत बात है ना? इस चीज को प्रमोट करना है, करते नहीं। ये वाला एग्जॉस्ट जो है बहुत ज्यादा लाउड है, जैसा आप लोगों ने देखा है, एरो जो है इसमें लगा है, ये देखो। और ये रही रे गाइस, और श्वेता भी यहाँ पे आई थी, मैंने देखा नहीं था, लेकिन पुलिस वालों को बार बार दिखा के मुझे वो चाहती हो कि मैं डरूं? क्या 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 पुलिस वालों को दिखा रही है हर जगह, पता है? मतलब यही बंदा है जिसने ये कांड किया। चोरी थोड़ी ना किया, क्या होगा भाई, फाइन होगा? अपना शौक है करना है। अभी ना इसमें आप लोगों ने देखा एग्जॉस्ट वगैरह जो है लग चुका है, बाकी अभी निकलेंगे घर की तरफ। बाकी आवाज़ है मैं कैसे लूंगा अभी, अगर मैं राइड लूंगा तो आप क्या आप यही रह जाओगे फिर?